मैं हिंदी साहित्य का व्यक्ति नहीं हूँ, साहित्य से बहुत दूर भी नहीं हूँ और बहुत पास भी नहीं रहता, मगर इस बात का एहसास जरूर रहा कि हिंदी के पास दो ही चीजें श्रेष्ठ हैं, हिंदी भाषी मजदूर और हिंदी के साहित्यकार, यही हमारे हीरो हैं। अफसोस कि हिंदी माध्यमों की दुनिया ने कभी इनका महत्व नहीं समझा। पिछले दिनों जब कुंवर नारायण और केदारनाथ सिंह का निधन हुआ तो किसी के पास इन महान कवियों की अच्छी तस्वीरें तक नहीं थीं, जिन्हें ना जाने कितने लोगों ने पढ़ा होगा, कितनों की जिंदगी बदली होगी। हिंदी के समाज में पाठकों की कमी नहीं है, लेकिन जो हीरो है उसकी एक तस्वीर तक ना हो, यादें ना हो, ये अच्छी बात नहीं। मैं कई दिनों से सोच रहा था कि क्यों ना उन लोगों के पास चला जाए जिन्होंने पूरा जीवन हिंदी के लिए दिया। वे जब सक्रिय थे तब छात्रों की जमात उन्हें देखने सुनने को तरसती रही। आज जब वे अपने एकांत में ठहर से गए हैं तो उनकी बची हुई सक्रियता कैसी है? अपनी जवानी में हरहरा कर बहते हुए दरिया की तरह जीने वाले ये रचनाकार आलोचक उम्र के उस छोर पर पहुंचकर कहीं अकेले तो नहीं पड़ गए? मैं जब दिल्ली आया तो हिंदी पढ़ने वाले हर छात्र से नामवर सिंह के बारे में सुनता था। नामवर के बिना कोई चर्चा पूरी नहीं होती थी। इतनी सभाओं में, सेमिनारों में नामवर सिंह को देखता था तो सोचता था कि ये कितना बोलते हैं और लोग इन्हें कितना सुनते हैं, नामवर में ऐसा क्या खास है? आज भी ये जिज्ञासा मुझे गुदगुदाती है। मैं नामवर सिंह का छात्र नहीं रहा, मगर उनके योगदान का सम्मान करता हूँ। JNU जैसी जगह में धोती कुर्ता में धज के साथ कोई ठेठ बनारसी ही खड़ा हो सकता है। शायद JNU में ही कोई अपने तरीके से नामवर हो सकता था। नामवर की पीठ और रीढ़ आज भी इसी तरह से तनी हुई है जैसे स्टील की बनी हो। नामवर के पढ़ाए ना जाने कितने छात्र आज पढ़ा रहे हैं, झोला उठाने वाले भी पढ़ा गए और बहुत लोग झोला ही उठाते रह गए। नामवर अपने आप में एक परंपरा है, विवादित भी है और मर्यादित भी है। नामवर के बिना ना तो हिंदी के पास मर्यादा है ना विवाद है। आप दर्शकों में बहुत से लोग सोचेंगे कि प्राइम टाइम में भला ये शख्स क्यों? इसका जवाब सिंपल सा है। जिस शख्स ने हजारों छात्रों की जिंदगी को संवारा, हजारों किताबों से होकर उसकी जिंदगी गुजरी, सैकड़ों शहरों में उसकी बोली गूंजी, प्राइम टाइम पर उसका भी हक बनता है। हमारी क्षमता नहीं कि हम नामवर सिंह के कार्यों की समीक्षा करें, मगर हम उनको आपको उनकी जिंदगी में ले जाना चाहते हैं। हमारे सहयोगी अमितेश दिल्ली के अलकनंदा स्थित शिवालिक अपार्टमेंट गए जहां उनका घर है। 90 पार हो चुके नामवर आज भी अपनी किताबों के बीच रहते हैं। तीन तीन कमरे और बाथरूम तक में किताबें भरी हैं। आप भी देख लीजिए, फिर कभी कोई दूसरा नामवर नहीं होगा। एक एक करके जब बढ़ती है तो बिछड़े सभी से बारी बारी, देखी जमाने की यारी, बिछड़े सभी बारी बारी। एक एक करके मित्र जो है ना कि एक एक करके हुए जाते हैं तारे, मध्यम तारे बुझ रहे हैं, मेरे तेरी मंजिल की तरफ मेरे कदम आते हैं। एक अकेलापन महसूस होता जाता है। तो आप यादों में जिएंगे, यादें एक तरह से अपने आप को पुराने जमाने में, पुराने लोगों में को याद करना, और एक गुण है मनुष्य को कि भगवान ने याददाश्त नाम की एक चीज दी है, अगर वो न हो तो आदमी पागल हो जाए। सर, पहले आप रोज जाते थे कहीं ना कहीं व्याख्यान देने, तो उसको आजकल कितना मिस करते हैं या नहीं करते हैं? बहुत मिस करता हूँ। एक तरह से वही मेरा सामाजिक जीवन था जी। मैं कोई अंतर्मुखी आदमी नहीं हूँ, अपने अंदर रहने वाला नहीं हूँ। मैं लोग के बीच रहना चाहता हूँ, सामाजिक आदमी हूँ, तो इसलिए खुले हुए संसार में सौभाग्य से हमको इतना सुंदर देश मिला है जिसको कई बार घूमा हूँ मैं। मेरा ख्याल है कि पूरे भारत में अलग अलग जगहों पर लोगों ने बुलाया, अपने पैसे से कभी नहीं गया, लोगों ने बुलाया, हवाई यात्रा का टिकट लिया, जहाँ ट्रेन से संभव था वहाँ ट्रेन से दिया। मेरा ख्याल है कि पूरे भारत का भ्रमण मैंने 20-25 बार किया होगा। अरे बाप, कोई कोना नहीं अंडमान निकोबार से लेकर के कन्याकुमारी, कन्याकुमारी तक, और
इधर कश्मीर गया हूँ और देश के बाहर भी गया हूँ, सारी दुनिया में, एक अमेरिका को छोड़कर, दक्षिणी अमेरिका उत्तरी अमेरिका दोनों को छोड़कर पूरा यूरोप मैं घूम चुका हूँ कई बार। तो पूरे यूरोप की यात्रा जब रूस समाजवादी था तब, और बल्कि समाजवादी हो जाने के बाद जब रूस हुआ तो उसमें उसके बाद दो ही बार गया हूँ, फिर नहीं गया। पहले का रूस देखा था सोवियत यूनियन जिसे कहते हैं, अब दूसरा देखा है बहुत बदल गया है। तो इसलिए कुछ यात्राएं की है मैंने। जो लोग बुजुर्ग हो जाते हैं हमारे हिंदी समाज में, हिंदी की साहित्य की दुनिया में, उसको लोग छोड़ देता है, ऐसा आप भी मानते हैं? देखिए ये तो सही है कि हमारा समाज अभी थोड़ी सी भारतीयता बची हुई है, इसलिए अपने बुजुर्गों को, वो पहले बुजुर्गों तो संन्यास ले लेते थे जी, घर छोड़ के चले जाते थे जी, बड़े समझदार थे वो लोग कि अपने घर में सम्मान के साथ रहे, और अब बुढ़ापे में भी किसी काम के नहीं रहेंगे तो बुढ़ापे में अपमान होगा। ये हम लोगों के यहाँ परंपरा रही है, इसलिए वे लोग जो है वो गृहस्थ आश्रम छोड़ करके संन्यास ले लेते। अब संन्यास लेने वाले लोग कम है क्योंकि साधुओं का समाज बहुत कम है, कोई साधु संत को पसंद नहीं करता है, तो इसलिए संन्यास लेने का तो कोई मतलब है ही नहीं जी। और मेरे पास कोई काम की कमी नहीं है, जैसा मैंने कहा कि मरेंगे हम किताबों पर वर्क होगा कफन अपना, तो हमारी जिंदगी है वो केवल जीना किताबों में और मरना भी किताबों में, इसलिए एक ही जिंदगी का कार्यकलाप बचा है। कि हम कहा कि मेरी पूंजी जो है किताबें हैं, और मेरी लिखी हुई किताबें भी 100 से कम नहीं हैं जो प्रकाशित हो चुकी हैं। तो ये कहने कि वो हम लोग कहा करते थे कि मरेंगे हम किताबों पर वर्क होगा कफन अपना, तो एक ही शौक रहा है और तो कोई रहा नहीं। बैठ के नाश्ता करता हूँ, दिनचर्या है, पेपर पढ़ता हूँ, लेटर्स आते हैं तो उनको पढ़ता हूँ, बस। और मेरी लाइब्रेरी खुद बहुत बड़ी है, अब ये सोचा है कि किसको दे देंगे, तो किसी को मेरे गुरुदेव आचार्य हरिदास प्रसाद द्विवेदी ने लाइब्रेरी 3 मूर्ति भवन को दे दिया था। मैंने भी सोचा है कि राय साहब आजकल हमारे बड़े पुराने मित्र हैं, जर्नलिस्ट हैं, वही उसके चेयरमैन हैं, तो उनसे मेरी बात हो गई है। यहाँ से मेरे बाद पूरी उठा के IGNCA में, हाँ, और वो ले जा करके हमारा एक ब्लॉग बना देंगे, क्योंकि हमारे गुरुदेव आचार्य हरिदास प्रसाद द्विवेदी, हाँ, इन्होंने भी जब कपिलावाद चयन थी वहाँ, वो सिविल सर्विस के आदमी थी, और वादचयन जी गए के वो कपिला जो थे वो उनसे समझ, हाँ, तो उन्होंने दे दिया था। तो मैंने सोचा कि क्योंकि किताब मैं बेचूंगा नहीं, रद्दी का माल लोग बेच देंगे, ये लाइब्रेरी किसी के काम आ जाएगी, क्योंकि मेरी जिंदगी की ये पूंजी है, इस पूंजी को मैं गंवाना नहीं चाहता। बनारस में हमारे भाई हैं, हमारा मकान है जी, और भाइयों के परिवार हैं, लेकिन चाहूँगा जरूर कि एक बार हुआ हूँ, कह नहीं सकता कि इच्छा पूरी होगी कि नहीं,
क्योंकि भाई हमारे आ जाते हैं कई बार, तो उन लोगों से तो मुलाकात हो जाती है, उनके परिवार से भी हो जाती है। सर वो बताएंगे, वो आपके साथ प्रभाष जोशी बैठे हुए हैं? हाँ प्रभाष जी हैं सर, वहाँ उस फोटो ये अल्मोड़े का है। यहाँ तक के फोटोग्राफ्स वगैरह जो लगे हैं जी लोगों ने खींच दिए हैं, खींच के चलते समय पकड़ा दिया है। सर दिखाइए ना चल के। ये देख रहे हैं ना जी, इधर हूँ सर। चीड़ दरस के पेड़ है अल्मोड़े के बैकग्राउंड का है ये हाँ। वो भी अल्मोड़े का है सर, वो बीच हम में हाँ, हाँ हम गए थे रानीखेत गए थे और वहाँ अल्मोड़ा होते हुए हम लोगों ने देखा था, तो ये यहाँ का है। प्रभाष जी थे, उनके साथ यात्राएं की थी तो उन्हीं वही उन लोगों ने जब हम चले आए तो मढ़वा करके घर भिजवा दिया। मेरी बेटी है ये छोटी थी उस समय, पढ़ाती है यहाँ दाल से कॉलेज में। अच्छा ये अच्छा समीक्षा मैम है हाँ। और ये सर जेएनयू की तस्वीर लग रही है नीचे वाली हाँ, ये वही अल्मोड़ा रानी अल्मोड़ा की तस्वीर है हाँ। ये पहाड़ की है वो कुमायूं की। अच्छा ये यहीं बैठे हुए है, यही है इधर उधर कुछ दे दिया है चूंकि रखने की हमारे यहाँ जगह नहीं है। सर तो आजकल पान खाते हैं कि नहीं? हाँ बनारस का हूँ, पान नहीं खाऊंगा। भगवान विश्वनाथ की नगरी का ये शौक है, बनारसी पान मुहावरा है और मैं तो इसलिए एक ही शौक है पान जी। और ये बनारस की देन है जी। और ये कुटेव कहिए बुरी आदत जिसके कारण जाहिर है कि ना दांत पर असर पड़ता है, तो हुआ है वो टूटा उटा भी है लेकिन मैंने दांत नया नहीं बनवाया है। सारे दांत सर आपके मतलब? बिल्कुल मेरे ही है, मैंने ये काम नहीं किया नकली दांत बना के जवान दिखना, ये मनुष्यता का अपमान है। उम्र अब 90 के पार है हमारी, जी गया ये भगवान ही की देन है। अब लोग कहेंगे कि अब आप भगवान को याद कर रहे हैं, आप तो सर किसी जमाने में मतलब कम्युनिस्ट और वो प्रगतिशील मुहावरा है ये। अच्छा मैं किसी न किसी को तो धन्यवाद लोग कोई कोई मुंह से निकलता है माई गॉड हाँ। निकल जाता है ना जी जी भगवान जी, तो या खुदा जी मुसलमान कहता है जी, ओ माई गॉड जी कहते हैं ना बोल पड़ते हैं, तो ओ माई गॉड या खुदा तो हमें हे ईश्वर कहते हैं तो क्या बुरा, हमारा ईश्वर कोई उन लोगों से कमजोर है खराब है जी। तो इसलिए हे ईश्वर देखिए याद जो है ना वो नफा भी है नुकसान भी है। भले है लोग जो नॉस्टैल्जिया कहते हैं अंग्रेजी में, तो लोग पुरानी यादों में जीते हैं और कुछ लोगों को नॉस्टैल्जिया या बीमारी हो जाती है, कुछ बुढ़ों को दुर्भाग्य से मुझको नहीं है मैं बहुत पुरानी चीज़ों को नहीं याद करता अचानक कोई मौका आया कुछ याद आ गई तो याद आ गई, भगवान की कृपा से मेरी याददाश्त बहुत अच्छी है और पढ़ी हुई किताबें याद हैं
तो ये अच्छी है, लेकिन कभी कभी ये बहुत अभिशाप भी हो जाता है। आदमी यादों में जीने लगता है और डूबा रहता है, और ये इनएक्टिविटी की ओर ले जाता है। अतीत जीवी होना मनुष्य को आंखें भगवान ने जो दी हैं वो आगे के लिए दी हैं, पीछे नहीं बनाया है। जिसका मतलब भगवान ने उम्मीद लगाई है कि तुम आगे देखो, पीछे इनको देखना है वो देखेंगे तुम्हारे। तो भगवान ही ने जब आंख दी है आगे देखने के लिए तो हम पीछे काहे को देखें भाई। आजकल लोग सर बहुत पीछे देख रहे हैं, कह रहे हैं कि सब कुछ पीछे ही हो गया था महाभारत और रामायण काल में। देखिए, पीछे देखना जो है वो जिंदगी से भागना है, और मुश्किल ये है कि आप पीछे भाग नहीं सकते। गाड़ी होगी, आप पीछे दौड़ के तो जाएंगे नहीं, जाएंगे तो गाड़ी वाड़ी से जाएंगे, सहारा लेंगे। तो इसलिए पैर यूँ बनाए गए हैं, पैर पीछे का तो नहीं बनाए गए हैं। इसका मतलब है कि पैर कि इंसान को आगे जाने के लिए बनाया गया है, ईश्वर ने बनाया है आगे जाने के लिए। तो तुम पीछे क्यों जाते हो भाई, बनाया ही नहीं है पीछे जाने के लिए, तो तुम क्यों पीछे जा रहे हो देख रहे हो। ईश्वर ने ही नहीं बनाया है पीछे जाने के लिए, तो इसलिए आगे जाते हैं, जाने में विश्वास करते हैं। कभी कभी पीछे यूं उलट के, जिसे कहते हैं आदमी देख लेता है। पानी लाओ सर आपके लिए। हाँ? पानी पियेंगे आप? हाँ, पानी है। आप बताइए ना सर, मैं ले आऊंगा। ये पीछे आपको पीना है पानी सर? आपको थोड़ा सा, आधा गिलास। माफ कीजिएगा, ये आप कह रहे थे सर कि पीछे की तरफ नहीं देखना चाहिए, क्योंकि आंखें तो आगे हैं, पैर आगे की तरफ है। कभी कभी लोग पीछे मुड़ के देखते हैं। है ना, मुड़ मुड़ के ना देख, एक गाना है।